ईस्ट बसूरिया कोलेरी में दिनांक 4 जून 2021 को प्रथम पाली में लगभग 10 बजे दिन में एक दुर्घटना हुई थी। आइए देखते हैं इस दुर्घटना का नाट्य रूपांतरण एवं उक्त दुर्घटना के कारण, जिससे इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। दिनांक 4 जून 2021 के प्रथम पाली में स्वर्गीय पुनेंदु शेखर मोदी, जो इलेक्ट्रिक हेल्पर के रूप में काम करते थे, बिना किसी को जानकारी दिए हुए 2 सिम के सबस्टेशन से आवासीय कॉलोनी में बिजली का समस्या होने के कारण सबस्टेशन में जाकर शटडाउन लेते हैं और खुद ही अकेले सीढ़ी लेकर बिना सेफ्टी बेल्ट के और साथ ही डिस्चार्ज रॉड का उपयोग किए बिना इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर काम शुरू करते हैं। इसी दौरान उनको बिजली का झटका लगता है और पोल से ही वो जमीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें उठाकर सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद लाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना के मुख्य कारण इस प्रकार हैं: अपने सुपीरियर अथवा सुपरवाइजर को बिना बताए बिजली का काम करना और सबस्टेशन में किसी को बिना बताए शटडाउन लेना, बिना किसी सहयोगी के अकेले ही सीढ़ी लेकर इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर बिजली का कार्य शुरू करना, बिना वर्क परमिट के बिजली का काम चालू करना, शटडाउन के नियमों का स्वर्गीय पुनेंदु शेखर मोदी के द्वारा अवहेलना करना, सबस्टेशन में सेफ्टी बेल्ट रहते हुए भी इसका उपयोग नहीं करना, लोटो सिस्टम के नियमों का पालन नहीं करना, ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके सुझाव इस प्रकार हैं: शटडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन करना, बिना वर्क परमिट के कोई भी बिजली काम चालू नहीं करना, अपने सुपरवाइजर अथवा सुपीरियर को बताए बिना कोई भी बिजली काम नहीं करना, अपने सुपरवाइजर अथवा सुपीरियर के आदेशों का पूर्णतः मानना, लोटो सिस्टम लॉक आउट टैग आउट के नियमों का अक्षरशः पालन करना, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ने के पहले सेफ्टी बेल्ट का उपयोग अवश्य करना, साथ ही जहां भी नियमतः आवश्यक है डिस्चार्ज रॉड का उपयोग अवश्य करना।